मीनाठेर गांव की एक लड़की को दो युवक बाबू और फिरोज बहला फुसलाकर अपने साथ जंगल में ले गए और रेप की वारदात को अंजाम दिया। रात भर लड़की की आबरू से खेलते रहे और सुबह बेहोशी की हालत में लड़की को रास्ते में छोड़कर फरार हो गए। जैसे ही जानकारी परिजनों को मिली तो वह लड़की को घर ले आए। लड़की ने उन्हें अपनी आपबीती सुनाई। मामले की शिकायत लड़की के परिजनों से की तो उन्होंने पंचायत बुलाई, जिसमें 3 दिन बाद लड़की की शादी तय होने की बात कही गई। 3रा दिन आते ही लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। लड़की के परिजन थाने गए तो थाना इंचार्ज ने भी उन्हें टाल दिया। रेप की घटना को अंजाम दिए तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं और पुलिस यूं ही तमाशबीन बने तमाशा देख रही है। क्या नाम आपका? गुलेशादा। क्या हुआ था, क्या नाम था? ननकार का लड़का है, उसने मुझे फोन किया था। वो बाइक पे थे हमारे गेट पे, कुआन के मुझे बाहर को बुलाया उसने। मुझे क्या कहना है, शादी का झांसा देकर बाहर बुला कर दो लड़के थे, वो एक पीछे बैठा था एक चला रहा था। उसने मेरा मुँह दबाया, मुँह दबा के मुझे ले गया बाइक पे बैठा के, मेरे साथ बलात्कार किया पूरी रात। ननकार के पास में घेर है उसके, उसने फिर क्या मैं उस निकाह को भी कहा था। फिर उसने 6 बजे यहाँ से ले गए, शाम को छोड़ के गए सुबह को 5 बजे। फिर कौन छोड़ गया आप तो? वही। क्या नाम है उनका? बाबू। कौन कौन लोग? बाबू और फिरोज। बोले अलवारे के अड्डे में फेंक गए मुझे। क्या आज से कोई, इससे पहले भी कोई ऐसा मामला हुआ था? जी हुआ था। उस मामले में आपने कभी परिजनों से या मतलब थाने में शिकायत की? जी की थी। क्या हुआ, क्या करते हैं, क्या यही कह रहे थे? बोले अपने अम्मी पापा को लिवा के लाओ। हमारे अम्मी पापा को पता नहीं था, हमारे अम्मी पापा को अब पता चली थी। इससे पहले कितनी बार ऐसा मामला हुआ? लगभग 3-4 दफा हुआ था। क्या चाहते हैं आप? हम उससे शादी करना चाहते हैं। कितने समय पहले आपके साथ में बता रहे थे? साल भर। अभी कुछ समय पहले, कितने समय पहले बताए थे? 3 दिन। कितने दिन हो गए मतलब घटना? 9 दिन हो गए दिखे। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी, क्या मतलब आपकी शिकायत? पुलिस तो कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। कहते हैं बोले 4 दिन का टाइम दो, 5 दिन का टाइम दो। हम रोज जा रहे हैं थाने को। क्या चाहते हैं? हम उससे शादी करना चाहते हैं। मुजम्मिल। कौन सी जगह? यासतपुर। कौन सा थाना? कौन सा? मराठेर। क्या मामला हुआ था? ये क्या कह मैं आप क्या कह रहे हैं, पहले से तो हमें कुछ पता नहीं था। ये दो लड़के आए बाइक पे, लड़की ने बताया ना, दो लड़के आए बाइक पे, मोड़े से बाहर उन्होंने फोन करा। फोन करके उसका जो था क्या कहते हैं मोटरसाइकिल पर रख के एक ने दबाया उसका और उसे ले गई। और सुबह को जो हम सुबह जो लड़की आई उनने हमें बताया अना ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ। वो मानने की धमकी दी, अगर अपने पापा से बताइए तो हम जान लगा। कौन लोग थे वो? वो ननकार के लोग थे। क्या नाम? एक का नाम बाबू है, एक का फिरोज। क्या हुआ? तो उन्होंने वो पूरी रात में रखी, उसके साथ में बलात्कार किया। तो बाबू वो क्या कहें ललवाई कि वहाँ जीपे पाओ तो छोड़ दिया। अब इस मामले की जानकारी आपको मामले की जानकारी हमें मिली तो क्या कहें हमने थाने में इतला करी, रिपोर्ट दी। तो बोले ना क्या कहते हैं इसमें 2-4 दिन का हमें टाइम दो। किसने कहा 2-4 दिन का टाइम? दरोगा जी ने। क्या नाम है दरोगा जी का? उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में लोगों ने क्या कहते हैं बोले ना हम ऐसे ही निकाह करा देंगे, है ना, पंचायत के जरिए ना। तो पंचायत इतवार का उन्होंने टाइम मांगा हमें, इतवार के दिन 10 बजे हम तुम्हारा निकाह करा देंगे। अब इतवार के दिन 10 बजे हमें वो पता मिला तो बोले ना साहब अब लड़का मना कर दिया। किसने कहा? पंचायतियों ने। हाँ लड़का मना कर दिया। फिर हम थाने पहुँची तो थाने में फिर हमने क्या कहना एप्लीकेशन दिया जाके, ये एप्लीकेशन दी तो फिर कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन दिए हो गया हमें 18 तारीख को दी थी।
10 दिन हो गए। अच्छा क्या मतलब? और फिर दोबारा दिए? दोबारा कब दी? दोबारा पार्सल 25 तारीख में दिए। आप कितनी तहरीर दे चुके हैं अब तक? सबसे पहले जो गया तो दरोगा जी ने क्या कहना उसका नाम पता लिखा, नाम पता लिखने के बाद में उसके थोड़े क्या कहना दबिश डाली हमने, तो बोला मैंने 3 फेर दबिश डाल दी। उसके बाद में फिर मुझसे फिर कहते रहे ना 3-4 दिन आया हमें टाइम दो, 3-4 दिन का टाइम दो हमें दरोगा जी। तो अब टाइम टाइम में ये टाइम आ गया। क्या पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम तो साहब यही चाहते हैं कि क्या कहना है लड़की का निकाह हो जाए, और क्या चाहते हैं ना। तो फिर लड़की का निकाह नहीं होता तो फिर क्या करोगे? जेल जाएगा, हम जेल में चाहते हैं, मुकदमा चाहते हैं, मुकदमा दर्ज हो हमारा। क्या नाम है आपका? हाजी बोलू। कहाँ के रहने वाले? ये जो पंचायत हुई थी तो आप भी थे इस पंचायत में? मौजूद था। तो क्या रहा पंचायत में, कैसे पंचायत? जब बातचीत शुरू हुई जी तो मैंने इन लोगों से कहा, मैंने कि भाई ऐसे काम जो हैं वो तुरंत होने चाहिए जी, हाथों हाथ। जैसे के? हाँ। कैसे काम तुरंत होने चाहिए? जैसे निकाह के लिए जी। हाँ तो हो जाएगा। तो हमारी जो साहब चली ना, बाकी ये लोग बोले कि जिम्मेदार लोग हैं ये, हाँ ये वो, इतवार का दिन हमें कुछ टाइम दे। कितने दिन का टाइम दिया? टाइम 3 दिन का। अच्छा 3 दिन के बाद में फिर क्या हुआ? फिर इतवार का दिन इन्होंने रखा जी। हाँ इतवार का दिन रखा, 11 आदमियों को, 11 आदमी आ गए और निकाह करके ले गए। तो इन्होंने सामान वामान भी इकट्ठा करना कर दिया शुरू जी, इतवार के दिन का जी जी लिए। फिर वो एक दिन पहले ही इतवार ने आया तो खबर आई है क्या भाई मामला कुछ ढीला पड़ गया जी। हाँ हाँ, अगर लड़का मान के नहीं दे रहा ये तो ही उसमें साहब खत्म। उसके बाद में थाने वाने गए ये लोग? हाँ थाने के गए। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।